नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कल भारत विदेश मंत्रालय का जो रूप देखा, ऐसी तमतमाहट कम ही देखने को मिलती है। आमतौर पर भारत विदेश मंत्रालय अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता है, मगर पाकिस्तान की एक हरकत ने विदेश मंत्रालय का पारा चढ़ा दिया है, जिसके बाद उसे साफ कह दिया गया कि जिस गिलगित बाल्टिस्तान में वह चुनाव कराने के सपने देख रहा है, वह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। हालांकि विदेश मंत्रालय के तीखे बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, मगर वह सुधर जाएगा या 30 अप्रैल को दिए गए अपनी सुप्रीम कोर्ट के चुनावी आदेश से पीछे हट जाएगा, यह भी नहीं लगता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है, आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। यह कितना बड़ा होगा, इसका एक ट्रेलर अगले हफ्ते तक दिख भी जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान बेहद ही चालाकी से अपने हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। उसे लगता है भारत कोरोना वायरस महामारी में उलझा है। इस मौके का फायदा उठाकर वह पीओके में इच्छित फेरबदल कर सकता है, मगर वह यह भूल गया कि देश में मोदी सरकार है। इन हालातों में भी सरकार की नजर उसकी हरकतों पर टिकी हुई है। गौरतलब है कि 28 अप्रैल को पाकिस्तान उच्चतम न्यायालय ने गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर में संशोधन करके क्षेत्र में चुनाव कराने की इजाजत दी है, जिसका आदेश 30 अप्रैल को जारी किया गया है, जबकि इस विवादास्पद क्षेत्र में तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता जब तक इस मसले का समाधान नहीं हो जाता। मगर सब कुछ जानते हुए भी पाकिस्तान अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आया है, जिसके बाद भारत विदेश मंत्रालय आगे आया और साफ कह दिया गया कि पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। यह भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को इसमें चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। पर सवाल यही है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव क्यों कराना चाहता है, वह भी ऐसे वक्त जब उसके पास चुनाव कराने तक का पैसा नहीं है। आखिर 72 साल के बाद उसके दिमाग में यह कीड़ा क्यों कुल मुलाया है? दरअसल इस सबके पीछे चीन का दिमाग काम कर रहा है। पिछले 2 हफ्तों से इस क्षेत्र में सीपैक के खिलाफ काफी गुस्सा उमड़ा है। इस चैनल पर सीपैक पर हुई हाथापाई की खबरें हमने लगातार दिखाई है। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वे आजादी चाहते हैं और भारत में विलय के पक्षधर हैं। इसी क्षेत्र से 7.5 लाख करोड़ की लागत से बनने वाला पाक चाइना आर्थिक गलियारा भी गुजरता है। चीन जानता है कि यह क्षेत्र विवादास्पद है, इसलिए वह चाहता है कि जहां से यह गलियारा गुजर रहा है वह इलाका विवादास्पद नहीं होना चाहिए। बड़ी बात यह है कि अमरीकी राजनयिक एलिस भी सीपैक के क्षेत्र से गुजरने पर अपना विरोध प्रकट कर चुकी है। चीन ने यहां चुनाव कराने के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद के साथ अपना दबाव भी उस पर डाला है। उसकी मंशा यही है कि अगर एक बार यहां चुनाव हो गए तो यह इलाका भी भारत के हिस्से वाले जम्मू कश्मीर की तरह हो जाएगा, जहां पाक सरकार को फैसले लेने में पूरी आजादी मिल जाएगी। यानी इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान चीनी बैसाखी पर पीओके पर 100% नियंत्रण कर लेना चाहता है। पर यह इतना भी आसान नहीं है। भारत द्वारा पाक को दी गई चेतावनी के कई नीतार्थ हैं। पाकिस्तान को भली भांति मालूम है कि अगर उसने ऐसा कोई कदम उठाया तो भारत की प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। यूं भी पाकिस्तान को आभास हो चुका है कि भारत धीरे धीरे पीओके की घेराबंदी करने में जुटा है। रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत काफी बढ़त हासिल कर चुका है। हालांकि संभावना यही थी कि भारत इसी साल के अंत में पीओके पर कोई एक्शन लेगा, मगर पाकिस्तान की अदालत के फैसले ने उसकी मियाद बहुत कम कर दी है। भारत सरकार चौकस हो चुकी है, खासतौर से घाटी में जिस प्रकार जवानों ने शहादत दी है उसने देश में गुस्सा काफी हद तक बढ़ा दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगाल पाकिस्तान की हालत का फायदा उठाकर प्लान एबीसी को एक साथ लागू किया जा सकता है। यानी कूटनीतिक विजय रणनीतिक विजय के साथ चढ़ाई का इससे बढ़िया मौका मुश्किल ही भारत को मिलेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद की असली जड़ भी यही है। सेना प्रमुख नरवणे और सीडीएस बिपिन रावत सरकार को बता चुके हैं कि पीओके को हासिल करना मुश्किल नहीं है, सेना को केवल दिल्ली से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वैसे भी पाकिस्तानी मुल्लाओं को निपटाने का जज्बा भारतीय जवानों में एक जुनून की तरह है। यकीनन भारत सरकार इसके लिए तैयारियों में जुटी हुई भी है। खासकर पीएम मोदी का धारा 370 और पीओके वापस लेना सबसे बड़ा सपना रहा है। 370 तो खत्म किया जा चुका है, अब पीओके बाकी बचता है। इसे भारत में देखना हर हिंदुस्तान का सुपन है। यह भी अब पूर्ण होने की तरफ बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।